निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ध्वनि श्री चैतन्य महाप्रभु की श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की हाँ करिए हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है श्री राम जन्म के उपलक्ष्य में जो हम एक हफ्ते का प्रोग्राम करने वाले हैं, इसमें हार्दिक स्वागत है आपका। नौ दिन का तो सबसे पहले मैं एक बार His Highness अखंड लीला प्रभु जी के बारे में कुछ इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा 30 सेकंड में। अखंड लीला प्रभु जी इस्कॉन जुहू से जुड़े हुए हैं और पिछले 12 साल से इस्कॉन में सेवारत हैं और अभी इस्कॉन में यूथ प्रीचर के रूप में काफी काम कर रहे हैं और उन्होंने एरोली में भांडूप में और दो तीन जगह पर उन्होंने जो बेस सेटअप किए हैं उसमें उन्होंने काफ़ी एक्टिवली काम कर रहे हैं और प्रभु जी का काफ़ी डीप अंडरस्टैंडिंग है वेदास और भागवतम और भगवद गीता का और प्रभु जी बेसिकली जाने जाते हैं कि इनके रेफरेंसेस के लिए जो भी ये रेफरेंस देते हैं भगवद गीता से और गीता के तो उसके रेफरेंस के लिए जाने जाते हैं। हम अपने पारंपरिक अंदाज से प्रभु जी का स्वागत करेंगे 3 बार हरि बोल उठ के हरि बोल हरि बोल हरि बोल प्रभु जी ओवर टू यू प्रभु जी ओवर ये क्या अभी नहीं होगा ना हरे कृष्णा श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। अभी कुछ लोग ऐसे लग रहे राम कथा में नहीं आए, कुछ लोग ऐसे लगते हैं कि अभी किसकी 10वीं है तो बैठ गया है सुनेंगे अभी 10वीं बार ठीक है, ऐसे नहीं उत्साह। श्रवणम कीर्तनम विष्णु श्रवण कीर्तन अगर उत्साह पूर्वक नहीं करेंगे तो कभी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसे श्री राम जी जब वनवास जाने वाले हैं तो सभी अयोध्या वासी भी उनके साथ पीछे पीछे चले जाते हैं कि राम जी को सी ऑफ करने के लिए, पर सोचते क्या है कि हम भी उनके साथ चले जाएंगे वनवास, पर फिर राम जी सोच रहे हैं कि इनको क्या कर रहे हैं, इनके से पीछे छुड़वाना है इनसे कैसे भी करके। तो क्या होते एक रात में सभी लोग जब सो जाते हैं ना तो राम जी रात को ही चले जाते हैं, रात को ही बोलते हैं कि रात को उल्टा उल्टा घुमा दो क्योंकि किसको पता ना चले और वहां से चले जाते हैं। तो जैसे ही वो सुबह उठते हैं कौन अयोध्या वासी तो देखते थे राम जी, तो निद्रा देवी की कृपा से क्या हो गया राम जी से वो सभी लोग बिछड़ गए। तो जैसे कथा सुनते हुए निद्रा आती कि नहीं, जब करते हुए निद्रा आती है तो उसका फल नहीं मिलेगा, फिर इससे उत्साह होना चाहिए। इसलिए आज मैं समझता हूं कि सर्वप्रथम श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से श्री प्रभुपाद जी की कृपा से मेरे गुरु महाराज इस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और अन्य जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं जिन्होंने राधानाथ स्वामी महाराज जी जिन्हें राधा गोविंद स्वामी महाराज जी जिनसे मैं कुछ सुना हूँ उनकी कृपा से और मेरे शिक्षा गुरु और अन्य सभी वैष्णव उनकी कृपा के बल पर मैं कुछ भी कहूँगा, जो भी कुछ कहूँगा उनकी कृपा के बल पर होगा। तो त्रुटियाँ तो बहुत सारी होगी तो आप उसको इग्नोर कीजिए और प्रयास ये रहेगा कि सिद्धांत को आगे रखें। रामलीला वैसे तो कई लोगों ने सुनी है ना, हमारे भारतवर्ष में कृष्ण लीला तो इतना नहीं जानेंगे पर रामलीला
कई लोग जानते हैं। रामानंद सागर के सीरियल में तो अथॉरिटी मानते हैं लोग, हाँ राम पढ़े, रामलीला पढ़ेंगे नहीं पर कम से कम वो सीरियल तो देख लेंगे। तो कई लोगों को स्टोरी तो लगभग सब पता होती है। तो शायद मैं जब बोलूंगा कुछ तो उसमें क्रोनोलॉजी कभी कभी बिगड़ जाएगी, तो उसके लिए आप क्षमा चाहता हूँ। पर मेरा ये इम्पोर्टेंस रहेगा कि कैसे इस लीलाओं के द्वारा हम क्या सीख सकते हैं, और जितने भी अभी समय कम है, एक घंटा भी नहीं है मेरे पास, तो इस समय में कुछ भी लीलाओं पर जो मैं स्पर्श करूँ उसमें हम क्या सीख सकते हैं, उस पर हम ध्यान देंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी का यही स्पेशलिटी है कि कोई भी जब ग्रंथ का ट्रांसलेशन अनुवाद कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी, उसको सही ढंग से सिद्धांत प्रकट करते हैं पहले। इसे श्रीमद् भागवतम गीता प्रेस का आप देखेंगे कितने स्कंद में है, दो बुक में पूरा सेट, और हमारे कितना है, कितने बुक्स है, 18 बुक्स है। क्यों? सिर्फ भगवान क्या है वो समझाने के लिए प्रभुपाद इतने बड़े बड़े तात्पर्य लिखते हैं। उसी प्रकार प्रभुपाद जी ने एक बार भी सोचा था कि रामलीला रामायण के ऊपर मुझे लिखना है, तो भागवतम के 18,000 श्लोक हैं, रामलीला के कितने पता है, रामायण के कितने, 1,00,000 महाभारत के, 28,000 के ऊपर है कुछ लगभग, तो भागवतम से भी ज्यादा लग जाएगा, तो कर नहीं पाए। तो ठीक है, तो फिर भी हम इस लीलाओं के द्वारा कुछ सोचेंगे समझेंगे जितना हो सके। तो एक चैतन्य चरितामृत का दो पद से हम प्रारंभ करते हैं। सिद्धांत बलिया छिपते ना करी आलस, सिद्धांत बलिया छिपते ना करी आलस, इहा हरिते कृष्ण लागी सुदृढ़ मन। तो चैतन्यचरितामृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कोई भी शास्त्र पढ़ने से पहले उसके सिद्धांत को समझना चाहिए, उसके लिए आलस नहीं करना चाहिए। लीलाएं तो हम कई बार सुनते हैं पर उसके, और कई बार कथाकार भी एक एक तरह से लीला को बोलते जाते हैं, पर अगर सिद्धांत को नहीं समझेंगे तो हम भक्ति में कभी दृढ़ नहीं हो सकते। तो आज हम प्रारंभ करते हैं। तो एक बार वाल्मीकि के मुनि के आश्रम में श्री नारद मुनि प्रकट होते हैं, और जब श्री नारद मुनि प्रकट होते हैं तो वाल्मीकि मुनि पूछते हैं कि इस संसार में सबसे बेस्ट पर्सन, सबसे बेस्ट मनुष्य कौन है, सबसे उत्तम व्यक्ति कौन हो सकता है, सब जिसमें कोई कमी नहीं, सभी गुणों से भरपूर है। तो ये प्रश्न कोई भी शास्त्र देखेंगे प्रश्न से शुरू होता है। तो ये प्रश्न जो है रामायण का उद्गम है। नारद मुनि किसका नाम लेते हैं, श्री राम। रामचंद्र रघुवीर रामचंद्र रणधीर, रामचंद्र रघुवीर
रामचंद्र रघुनाथ रामचंद्र रामचंद्र रघुनाथ रामचंद्र जगन्नाथ जैसे राम जी का वर्णन शुरू होता है, जहां पे सबसे आदर्श मनुष्य राम जी का नाम लेते, वैसे तो छल कर देते नारद मुनि, यहाँ पे छल कर देते, किसी वाल्मीकि से, ये कहां पे लिखा नहीं है, ये जो है समझे उस चीज से, कि भगवदगीता में कृष्ण क्या बोल रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम बोलिए एवं युगति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। भगवान कृष्ण गीता में पहले अपने आप को क्या बताते कि मैं क्या हूं, क्या हूं मैं, भगवान हूं, क्या हूं मैं, सभी देवताओं का ईश्वर हूं मैं, भोक्तारम एकेतपसं सर्वलोक महेश्वरम मतपरतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मेरे समान मेरे ऊपर कोई नहीं है, इसलिए जब मेरा जन्म और कर्म कोई जान लेता है वो जो दिव्य है तो उसको फिर से जाना नहीं मिल सकता है। तो राम जी कौन है, फिर भगवान है क्या मनुष्य है, भगवान है क्या मनुष्य, जोर से भगवान है ना, देखिए आप लोग जानते हैं, नारद मुनि छल कर दिए इधर, सबसे बेस्ट मनुष्य बोल दिया हमको, मूड़ो बाप नाम भी जानते, भगवान कृष्ण कहते हैं जो मुझे मनुष्य समझते हैं मूर्ख है, गीता में भगवान क्या बोल रहे हैं, जो मुझे मनुष्य समझते हैं वो क्या मूर्ख है, पर नारद मुनि यहाँ पर क्या कर रहा है कि नारद मुनि मूर्ख है, महाभागवत है, ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि भगवान जब आते हैं ना, अरे भगवान भगवान है, अरे भगवान तो ये सब कर सकते हैं, जब हमको बोलते हैं ना भगवान है ऐसा क्यों, यदि आचर्य जना भगवान अगर ऐसे किए हैं तो साधारण मनुष्य नहीं, नहीं नहीं मनुष्य में कोई ऐसा होना चाहिए जो ऐसा करे तो मनुष्य करेंगे, अरे भगवान करेंगे तो भगवान तो कर सकते हैं, इसे जान पूछ कर नारद मुनि पहले बोलते नहीं कि कौन है भगवान, नरों में श्रेष्ठ बोलते हैं, सभी व्यवहार में हमें कोई त्रुटि नहीं है, गुणों में कोई त्रुटि नहीं है, परफेक्ट गृहस्थ, परफेक्ट भ्राता, परफेक्ट सोशल किंग बोल सकता है, परफेक्ट किंग, हर संबंध में उन्होंने परफेक्शन दिखा है श्री राम जी ने, परफेक्ट हस्बैंड। तो जानबूझकर नारद मुनि बताते नहीं है वाल्मीकि को, और फिर उनका जब वर्णन शुरू करते हैं, राम जी का जो चरित्र का गान करते हैं वो राम है, फिर जब वो राम
रामायण सुनते हैं, वाल्मीकि भी राम जी के बारे में सुनते हैं, वाल्मीकि जब वो रामायण को लिखने के बाद भी वो सोचते हैं कि ये कौन, इसका प्रचार प्रसार कौन करेगा, लिख तो ली तो कौन प्रचार प्रसार करता, लव कुश, राम जी के ही पुत्र। और जब लव कुश उनके आश्रम में आते हैं तभी उनको पढ़ाते हैं, मैं ब्रीफ में बोलूंगा, इनको रामायण जब पढ़ा देते हैं पूरी तो शिक्षा उनको प्रदान करते हैं और जब वो सीख लेते हैं तभी फिर उनको ऐसा अवसर प्राप्त होता है कि स्वयं अयोध्या में जाके श्री राम जी के सामने रामायण को प्रकट करें। एक मराठी में काव्य आता है गीत रामायण, बहुत सुंदर पंक्ति उसमें पहले है, स्वये श्री रामचंद्र ऐकति कुशलव रामायण गाति, कुशलव रामायण गाति, स्वये श्री रामचंद्र ऐकति, स्वये श्री रामचंद्र ऐकति, कुशलव रामायण गाति, कुशलव रामायण गाति, कुमार दो एक भयासे सजीव पुत्रे रघुराया से, कुमार दो एक भयासे सजीव पुत्रे बहुत सुंदर। इसको कहते हैं कि दो कुमार जो स्वयं राम जी के कौन है, वो पुत्र है। अब कोई पुत्र प्रशंसा करेंगे पिता कैसे लगता है, अच्छा लगता है, वही राम जी को पता नहीं कि क्यों मेरे पुत्र है, दोनों पुत्र उनके सामने। अभी राम जी कहां पर बैठे, सिंहासन पर, राम जी सिंहासन पर बैठ के सब प्रजा लोग बैठे और सुन रहे हैं। जब रामायण गा रहे इतनी मधुर स्वर से, जिस प्रकार एक कोकिल, जब कोकिल अपने स्वर में मधुर स्वर में गाती है, स्वर रूपा स्वर रूपा नाम कोकिल है ना, स्वर रूपम कोकिल, कोकिल का रूप उसके स्वर में, उसी प्रकार दोनों बालक के मधुर ध्वनि और संगीत में इतने विशारद उन्होंने प्राप्त किए हैं, संगीत बद्ध करके उस रामायण को गीतों में प्रकट कर रहे हैं वाल्मीकि जी की कृपा से। और वो जब गा रहे मंत्र मुग्ध पूरी सभा हो जाती है, पूरी सभा ऐसी मंत्रमुग्ध हो जाती है, किसी को पता नहीं कि बाजू में कौन बैठा है, किसी को पता है कोई बात, जैसे कोई एकदम फाइटिंग का सीन आता ना तो कभी कभी अच्छा किया, बड़े बढ़िया किया, तो किसी को लग जाता था, कभी कोई इमोशनल सीन होता था किसी के कंधे में आके रोते थे, कौन सीनियर कौन जूनियर पता नहीं, इतना तो पता नहीं चला कि राम जी सिंहासन से उतर के नीचे आ गए और बैठ के सुन रहे हैं प्रजाओं के साथ, और वो उनके बोले देखो ना कैसा हुआ, राम जी को ही बोल रहे हैं, पता नहीं चल रहा है कि किसके बारे में बोल रहे, वही आके जिसकी कथा चल रही है वो बाजू में बैठे, इतना तो भूल जाते हैं, इतने मंत्र में इतनी सुंदरता से रामायण को प्रकट करते हैं। तो इस रामायण में सर्वप्रथम बालकांड को प्रस्तुत करते हैं, जितना हो सके उतना ब्रीफ में करेंगे। तो अयोध्या में दशरथ महाराज के पास कोई कमी नहीं थी, चक्रवर्ती सम्राट थे, अयोध्या अपने आप में पूर्ण राज्य था, प्रजा को कोई दुख कोई ऐसे कमी कभी नहीं थी। आजकल के आप राजा देखेंगे कभी भी देखेंगे कितना भी अच्छा कोई भी इलेक्शन को लड़के जीत जाए पर कंप्लेंट्स होंगे सिटीजन्स के, पर उस समय में कोई कंप्लेंट नहीं, किसी के साथ अन्याय नहीं, परिपूर्ण राज्य था, ऋषि मुनियों का सत्कार सदैव होता था, वैष्णवों का रक्षण होता, साधुओं का रक्षण होता था, कभी अन्याय किसी पर नहीं होता था। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ महाराज इतने प्रभावशाली थे कि कोई भी व्यक्ति कोई भी राजा दुराचारी करके उनका राज्य छीन नहीं ले सकता था, पर फिर भी एक कमी थी सदैव उनको सताती, जिस प्रकार चित्रकेतु महाराज को ऐसी कमी सताती थी कि मेरे पास सब कुछ है पर मेरे पास एक पुत्र नहीं है, उसी प्रकार दशरथ महाराज को सदैव लगता था कि इतना हमारा रघुकुल इतना प्रसिद्ध वंश है, इनमें इतने सारे कई राजा आके गए,
और भारतवर्ष के संस्कृति को सुरक्षित रखा है और हर तरह के लोगों को मार्गदर्शन किया है। ऐसे वंश में हम जन्मे हैं और मेरा ये दुर्भाग्य है कि मैं इस वंश को मेरी तरह से कुछ नहीं दे पा रहा हूं। सब कुछ है पर एक मेरे बाद एक अच्छा राजा नहीं दे पाऊंगा, ऐसे उनको दुख लगता था। हालांकि उनकी एक पुत्री थी पर पुत्री दान किया गया और एक राजा। तो जब ऐसे विचार कर रहे थे तो क्या करें, कैसे होगा? फिर वो क्या सोचते हैं, वशिष्ठ मुनि के विचार विनिमय करने के बाद, और वो सोचते हैं कि हम अश्वमेध यज्ञ करेंगे। और अश्वमेध यज्ञ करने से शायद कुछ हो सकता है। तो अश्वमेध यज्ञ कैसे होता है, अश्व को घुमा दे पूरा पूरे भारत वर्ष में, और जो राजा उसको रोकेगा तो उसको चैलेंज करना पड़ेगा, दशरथ महाराज से चैलेंज स्वीकारना पड़ेगा, या तो युद्ध में लड़ना पड़ेगा या तो समझौता करके ये सरेंडर करना है। सरेंडर करेंगे तो वो अश्वमेध यज्ञ सक्सेसफुल हो जाएगा। कोई भी अश्व अगर रोकेगा नहीं, पूरे भ्रमण करने के बाद फिर से जब अयोध्या में पास फिर से आ जाएगा साल दो साल में, तो अश्वमेध यज्ञ कर सकते हैं। तो उसके लिए वशिष्ठ मुनि आदि इत्यादि बाकी जो ऋषिगण हैं वो सुझाव देते हैं कि आप, इसमें पता नहीं आपको, कि विभांडक नामक जो ऋषि हैं उनके जो पुत्र हैं ऋषि श्रृंगी, वो एक प्रदेश में गए और जहां पे वर्षा नहीं होती थी वहां पे वर्षा हो गई। बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा इसमें, तो क्योंकि वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, उनकी कहानी ऐसी है कि विभांडक जो ऋषि हैं इतने अच्छे तपस्या कर रहे थे वो, कि इंद्र तक टेंशन में आ गए कि अभी ये विभांडक ऋषि अगर तपस्या करने लगे कि मेरा पोस्ट तो ले लेंगे, लगता है ब्रह्मा जी से मेरा पोस्ट ही मांग लेंगे, इतना टेंशन आता है। ऐसे कई लोगों को लगता है ना, हम ऑफिस में भी अगर कोई अच्छा काम करता है तो बॉस को टेंशन आता है, अरे इसको ट्रांसफर कर देता हूँ। तो उसी प्रकार इंद्र को जब टेंशन आ गया तो ब्रह्मा जी को बोले जरा क्या कर रहे, कैसे कर रहे अभी, क्या कर रहे? तो इंद्र क्या करते हैं, उर्वशी को भेज देते हैं। तो विभांडक ऋषि उनको देखकर विचलित होते हैं और वीर्य का पतन होता है, और इस वीर्य को हिरण निगल लेता है, और उनसे जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम क्या है, ऋषि श्रृंगी। क्या नाम है? ऋषि श्रृंगी। श्रृंगी यानी सिंह। इससे एकदम अद्भुत पुत्र हुआ था, मनुष्य शरीर मनुष्य का था पर उसको सिंह हिरण के थे। तो विभांडक ऋषि ये सोचे कि मेरा तो पतन हो गया पर मैं किसी को मेरे पुत्र का पतन करने नहीं दूंगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, उसको कभी स्त्री का दर्शन ही करने नहीं देते। सर्वप्रथम कोई भी बालक जन्म लेता तभी इसको देखता है, किसको देखता है, नर्स को देखता है ना। पता नहीं खुलता है कि नहीं आगा, अब किसको देखता है? मुझे तो याद नहीं है, आप लोगों को याद हो सकता है। माँ को तो देखना ही है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई कोई, पर ये अद्भुत ऐसा पुत्र था कि कभी स्त्री को नहीं दर्शन किया। अभी विषय वस्तु दूर होने से क्या व्यक्ति विषय में फंसेगा नहीं, ऐसा नहीं है। कोई कई कई को क्या लगता है कि विषय से अगर दूर होंगे ना, जैसे मान लीजिए टीवी है, टीवी को दूर रखेंगे, टीवी नहीं रखेंगे तो हम टीवी नहीं देखेंगे, ऐसे नहीं हो सकता। 24 घंटा हमारे साथ चलता है। कोई कोई बोलता है प्रभु जी हमारा टीवी ही नहीं है, ये है कि नहीं, बस टीवी से भी बड़ा काम कर लेता है। हम जुआ नहीं खेलते, अरे यहाँ पे हम पत्तों खेल लेते, कौन सा गेम है, रम्मी। तो हर चीज ये नहीं कि विषयेंद्रिया कर्मेंद्रिया संयमी अस्ते मनसा स्मरण, गीता में भगवद गीता में कहते हैं इंद्रिया अर्थात विमूढ आत्मा मिथ्याचारी से उच्छते। वो व्यक्ति जो अपने संयम तो रखा है, दिखने में तो साधु है, धोती कुर्ता पहना है, तिलक पहन लिया, कंठी माला पहन लिया, नॉनवेज नहीं खाता है, प्याज लहसुन भी नहीं खाता है, अवैध संग नहीं करता है,
जुआ नहीं खेलता है, कोई मद्यपान नहीं करता है, पर फिर भी मन में चल रहा है वो सब, मन में चलता है कि अरे क्या है, कहाँ पे गड़बड़ में फंस गया मैं, थोड़ा और एंजॉय करता तो। तो इसलिए कभी कभी क्या क्रिकेट का स्कोर भी देख लेते हैं, कभी थोड़ा मैच भी देख ले लेंगे, इसमें क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है इसमें। ऐसा करते 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 वो एक एक नियम तोड़ने लगते हैं। इसे भगवान कहते हैं मिथ्याचारी व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति जो है वो है हो रहा है। दुर्योधन तो कम से कम ठीक है, जो है वो है, पर भगवान ऐसे व्यक्ति का उद्धार कर सकते हैं जो व्यक्ति पापी है और खुद को मानता है कि पापी है, पर ऐसे व्यक्ति का भी उद्धार नहीं हो सकता जो अपने आप को पुण्यवान बोलता है पर है क्या अंदर से पापी है। कर्मेंद्रियारी संयम, दिखाने के लिए अपने इंद्रियों को संयम रखा है। यस्ते मनसा स्मरण, पर मन में सदैव इंद्रिय भोग की इच्छा है। मिथ्याचारी सचेत है, भगवान कहते हैं उसको गाली देते हैं मिथ्याचारी है वो व्यक्ति। इसलिए गलती क्या की विमंडन ऋषि ने, उनको क्या लगा कि अगर संपर्क नहीं होगा दिखेगा नहीं, स्त्री कभी दिखेगी नहीं तो फॉल डाउन का फर्क नहीं पड़ता, कुछ समय कुछ जरूरत कुछ चांस ही नहीं है, फिर कौन बाद में जब उस राजा का नाम मैं भूल गया, रोमपाद राजा, रोमपाद राजा ने जब उनके मंत्रियों ने सुझाव दिया, अरे देखिए वर्षा तब तक नहीं होगी जब तक ये ऋषि सिंघी नहीं आएंगे ना, तब तक नहीं हो सकते, भविष्यवाणी ऐसी हुई है क्योंकि कुछ पाप के कारण, राजा के पाप कारण, राजा राष्ट्र की तम पापम, राजा के पाप कुछ सबको भोगना पड़ता है और सिटीजन्स का पाप राजा को भोगना पड़ता है, तो इसके कारण वर्षा ऋतु नहीं हो रही थी, तो सोचे कि हम कैसे इसको ऋषि सिंह को हमारे पास आए, क्योंकि विभाजक ऋषि तो लाने नहीं देंगे, उन्होंने तो पूरा बॉर्डर बना दिया था, पूरा बॉर्डर, अभी बॉर्डर के बाहर उनको ही आना पड़ेगा, कोई अंदर नहीं जा सकते। तो वो क्या करते हैं, कई सुंदर उनके राज्य में जो वैश्या स्त्रियां हैं बहुत ही सुंदर बहुत ही यंग रहते हैं, उनको सिलेक्ट करते हैं और उनको एकदम ट्रेनिंग देके भेजते हैं कि देखो कैसे इसको रिझा के लेके आना। तो चलती हुई कुटीर, हाँ उनकी भजन कुटीर जैसे बनाते हो, हाँ बोर्ड के ऊपर और मूविंग देती है, और जब तट पर आते हैं वन के तट पर जहां पे ऋषि सिंघी है और दूर से देख लेते अरे बहुत अच्छे हैं, और वहां से वो साध्वी, हाँ साध्वी के वेश में भी उसको क्या पता स्त्री कौन है पुरुष क्या है, तो उनके वो वेश को देखने लगते ये भी साधु है हमारे जैसे, पर कोई अजीब गरीब साधु है, कोई अलग साधु है, कोई अलग प्लेनेट से आया लगता है, तो देख के बोलते हैं सुंदर है लोग, इनके बाल भी बड़े, हमारे तो टकलू लोग, कई लोग टकलू होते हैं, कई लोग की जटाएं होती हैं, इनकी तो जटाएं नहीं लगती, साधु लोग लगते हैं अलग साधु है। और जब उनको आवाज सुनते हैं उनकी, तो उनके तो आवाज भी बहुत मधुर है, और साधु ऐसा ट्रेनिंग जैसे आते हैं ना उसमें क्या करते हैं आलिंगन कर लेते हैं, तो पूरे शरीर में रोमांच आता है, ये कुछ अलग ही स्पर्श है, कभी नहीं अनुभव हुआ ऐसा स्पर्श, अच्छा लग रहा है, अरे उनको क्या पता क्या है। बाद में इसको बोलते हैं, इसको एक स्वीट भी देते हैं, संदेश खिलाते हैं इसको, अभी कभी इसमें तो ये तो तपस्वी है, कंद मूल के सिवा कुछ खाया नहीं, अब उसको जो स्वीट देंगे तो उसको अच्छा लगेगा ना कि नहीं, रसो वर्जन रसो भी हस्ते ऊपर का टेस्ट दे दिया, अरे बहुत बढ़िया है, कहाँ रेसिपी क्या है बता दो, रेसिपी अंदर कुटीर के अंदर, मूविंग कुटीर के अंदर, तो उसके अंदर उसको बुला दिया और उनको फिर सत्कार के वो खिलाया पिलाया, और वो कहाँ पे लगे गए, रोमपाल राजा के राज्य में, और फिर वो इतने आसक्त हो गए उनको विवाह करवा देते हैं, किसके दशरथ की पुत्री से विवाह करते हैं, जो कि रोमपाल राजा को दान में दी थी, और वही ऋषि श्रृंगी को कौन बुलाते फिर, स्वयं दशरथ महाराज बुलाते हैं, और उनके सलाह के अनुसार अश्वमेध यज्ञ करते हैं, साथ साथ में वो कहते हैं कि पुत्रेष्टि पुत्र कामेष्टि यज्ञ भी आपको करना होगा, और जैसे ही पुत्र कामेष्टि यज्ञ करते हैं उसमें से स्वयं वैकुंठ के दूत प्रकट होते हैं, एकदम दिव्य पुरुष प्रकट हो जाते हैं, और हाथ में क्या करते हैं, एक खीर का भांड लेके, एक खीर का वैसे लेके, खीर का मटका लेके प्रकट हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि हे दशरथ इस खीर को प्राशन करने के बाद आपकी पत्नी गर्भवती हो सकती है। देखिए वैसे तो दशरथ महाराज कितनी पत्नी है, कितनी पत्नी है, झूठ 353
350 और ऊपर में ये तीन पत्नियां, जो मुख्य पत्नियां कौन है? राम जी की माँ का नाम क्या? कौशल्या और कैकेयी और तीसरे सुमित्रा, ये मुख्य है। पर 350 और भी हैं। अभी क्यों किए 350? उसका भी कारण है। जब परशुराम जब सभी 21 बार जब क्षत्रियों का वध कर रहे थे, तभी दशरथ महाराज भी दिख रहे थे बार बार, पर उन्होंने नियम किया था कि एक तो अगर विवाह कोई अगर नग्न वस्त्र में है पूरी तरह तो उसको मैं मारूंगा नहीं, या फिर कोई विवाह कर रहा है तभी मैं उसको मारूंगा नहीं, ये नियम बना दिया था। तो दशरथ महाराज ने क्या रहे थे कि पहला तो एकदम बेकार है, हाँ कोई नग्न स्त्री मतलब किसी की पत्नी अगर नग्न रूप में खड़ी तो उसके पति को नहीं मार सकते, तो ये तो बेकार आइडिया, ये तो नहीं करूंगा मैं। तो दूसरा था कि शादी करना, तो ये तो करूंगा। जैसे ही पता चलता कि परशुराम आ रहे हैं तो क्या करते थे, 350 बार मारने के लिए आए और 350 बार वो विवाह कर रहे थे। तो ऐसा तो आप कभी सोचे नहीं। तो फिर ऐसे में फिर वो तीन रानियों को उन्होंने क्या किया, खीर को बांट दिया, आधा किसको दिया कौशल्या माता, एक चौथाई कैकेयी को दिया, सॉरी हाँ कैकेयी को दिया, उसमें से उसने फिर आधा किया 1/8 वो फिर से साइड में रख दिया, और सुमित्रा को 1/4 पहले से था, साथ में कैकेयी का जो आधा था वो भी सुमित्रा को मिल गया, सुमित्रा ने दोनों पी लिया, इससे दो हो गए कौन, भरत और शत्रुघ्न। कैकेयी से कौन पैदा हुआ, लक्ष्मण कैसे भरत, और यहाँ पे सुमित्रा को लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और कौशल्या माता को श्री राम प्रकट हुए। तो ऐसे में ये जब प्रकट होने के बाद ये चारों पुत्र दशरथ इतने आनंद से भाव विभोर हो गए, इतना दान करने लगे कि सोच भी नहीं है कि तिजोरी में कितना चीज है, कितना है। अभी तिजोरी भी खाली नहीं हो रहा है, क्यों खाली नहीं हो रहा, क्योंकि घर में कौन जन्मे, राम जी जन्मे, जहां पे लक्ष्मीपति स्थित है तो कभी तिजोरी खाली हो सकता है, कभी नहीं। इसलिए जब भगवान की कोई सेवा करता है, भगवान कृष्ण की कोई सेवा करता है, लक्ष्मी कभी भी इसको कम नहीं कर सकते हैं। कोई बोलता नहीं, भक्त प्रभु जी हम तो भगवान की पूजा करते हैं, हमें पास लक्ष्मी कम है, ऐसे होता है कभी भी डाउट आ सकता है ना, हमारे पास लक्ष्मी कम है। इसमें तो एक कारण ये हो सकता है कि आप अभी तक भगवान की ठीक तरह से पूरी तरह शरणागत नहीं है, या दूसरा कारण ये है कि भगवान आपको लक्ष्मी देना नहीं चाहते क्योंकि आसक्त हो जाएंगे। देखो दोनों भी आपके भले के लिए, तो लक्ष्मी का अर्थ ये समझना चाहिए, लक्ष्मी मतलब सिर्फ धन नहीं है, लक्ष्मी मतलब सौभाग्य भी है, भाग्य भी है, इसे भाग्य लक्ष्मी कहते हैं। तो इसे इतना दान दे रहे थे कि कम नहीं पड़ रहा था, सैकड़ों गायें दान कर रहे, ब्राह्मणों को इतना दान कर रहे, ब्राह्मण बोले बस बस हो गया, इतना क्या करेंगे हम, तो वो सरप्लस दान ब्राह्मण वो किसी और ब्राह्मणों को दान करते थे, यही चल रहा था। और फिर दान होते होते फिर से वही ब्राह्मण के पास कभी कभी आता था, तो ऐसा सब चल रहा था। उस बीच में जब चारों पुत्रों को जब अलग अलग पालने में लगते थे, चारों के चारों रोने लगते थे, जोर जोर से रोने लगते थे। अभी दशरथ महाराज भी कुछ कर नहीं पड़ रहे, कुछ करके फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वशिष्ठ मुनि को पूछ लिया अरे क्या उसका कुछ सुझाव है कि नहीं, बोलते क्या हो रहा है, जोर रोने एक काम करो, वो भरत शक्ने जगह पालना को ना अलग करो, उनको साथ में पालना रखो दोनों का, और राम जी और लक्ष्मण का जी के पालना जो है वो उस साथ में रखो। फिर भी रो रहे हो, बोले कम आवाज में रो रहे पर रो रहे, फिर भी चुप नहीं हो रहे पूरी तरह, बोले ठीक है एक काम करो राम जी के पालने में लक्ष्मण को अंदर ही डाल दो और भरत के पालने में शत्रुघ्न को अंदर डाल दो। और जैसे ही अंदर डाल दिया अरे हंसने लगे, खिलखिलाने लग गए, और उस दिन के बाद वो सभी समझ गए कि लक्ष्मण के बिना राम नहीं रह सकते, राम के बिना लक्ष्मण ही रह सकते हैं, अब भरत के बिना शत्रुघ्न नहीं, शत्रुघ्न के बिना भरत रह सकते, इसलिए हमें सदैव खेलते हुए भी साथ में रहते थे, कहीं भी जाते तो साथ में रहते थे। चारों विष्णु तत्व है, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठान, भगवान के कलाएं हैं सब, भगवान कृष्ण के सभी कलाएं हैं, चतुर्व्यूह जिसे कहते हैं, वासुदेव संकर्षण अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, मेरे साथ हो रही है, वासुदेव संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न, अलग अलग देवता के नाम है, विष्णु के ही नाम है अलग अलग,
विस्तार स्वरूप है। तो वासुदेव है वो कौन है? स्वयं भगवान श्री राम। संकर्षण कौन है? स्वयं लक्ष्मण जो शेष नाग है। और भरत और शत्रुघ्न कौन है? प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो चारों क्या है? भगवान के ही विस्तार स्वरूप है, भगवान के विस्तार स्वरूप है। जिस प्रकार भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी, एक भगवान जब दो रूप ले लेते हैं और जब चाहे तो दोनों एक हो जाते हैं लीला के अनुसार, लीला का स्वादन करने के लिए, उसी प्रकार भगवान क्या कर सकते हैं? चार रूप ही ले सकते हैं लीला का स्वादन करने के लिए। भगवान को लीला में सहयोग एक तो कोई शुद्ध भक्त दे सकता है या उनका ही विस्तार स्वरूप दे सकता है, साधारण व्यक्ति को अधिकार नहीं है उनकी लीला में सहयोग देने के लिए। तो जब ऐसे होते गए तो एक बार चारों लोग, चारे बच्चे खेल रहे थे, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, और क्या कर रहे थे? जो मिट्टी का गीला मिट्टी था, चिक्कल बना दिया, उसको क्या कर रहे हैं? गेंद करके एक एक के ऊपर फेंक रहे हैं। और इतने में माताओं ने देख लिया, कौशल्या माता, कैकेयी माता और सुमित्रा माता ने देख लिया, तो वो उनको रोकने के लिए आ गए। तो उनमें से क्या किया राम ने, फिर राम जी ने वही गेंद लेके माताओं पर मार दिया, और फिर बाकी भी दोनों वाली माताओं पे मार रहे हैं, फिर वो भी खेल रहे, वो भी गेंद लेके उन पर मार रहे, ऐसे करते एक दूसरे पे, एक दूसरे पे मारते। उसमें वहां पे मंत्र आ गई, मंत्र आ गई वहां पे, मंत्र जो कहके की सेविका थी उनको दहेज भी मिली थी दशरथ महाराज को, तंत्र भी किया उसने, मंत्रा ने तंत्र बहुत किए, बाद में तो बताएंगे आपको आगे के जो कथाकार होंगे वो बताएंगे। तो वो मंत्र जब आ गई, वैसे उसको राम जी से थोड़ा सा पहले से ही प्रॉब्लम लग रहा था। फिर वो बोल रहे, अरे तुम क्या रानियां हो, तुम लगते नहीं राजघराने की रानी, ये सब क्या कर रहे हो, चिकन में खेल रहे हो। उतने में क्या किया राम जी ने, एक गेंद लिया उसके ऊपर ही मार दिया, और जो मार दिया सिर के ऊपर पूरा मिट्टी मिट्टी से, और पूरा क्रोधित हो गई, ऐसे से पूरा हिलने लगी क्रोध में। तो कहीं समझ गई भाभी इसको भी साइड में लेना पड़ेगा, तो बोले आप कैरी ऑन कीजिए, मैं जरा इसको नैला दुला के आ जाती हूँ। तो ऐसे उनकी लीलाएं होती थी, ज्यादा वर्णन जैसे भगवान कृष्ण की बचपन की लीला है वैसे इनकी लीलाएं में ज्यादा लिखा नहीं है, कोई भी ना वाल्मीकि रामायण में लिखा है ना रामचरितमानस में लिखा हुआ है। पर बालकांड देखेंगे आप, भगवान के विवाह तक भगवान बालक ही माने गए। उधर कुछ कथाकार कहते हैं, कुछ वर्णन में आया कि 12 साल तक बालकांड ही है उनका, और कुछ कह रहे हैं कि 16 साल तक है। ठीक है, हमको उससे कुछ ज्यादा डिबेट करने की जरूरत नहीं। जब गुरुकुल में उनको पढ़ाया गया और बहुत जल्दी उन्होंने एजुकेशन शिक्षाएं ली, फिर उस समय पे जब दशरथ महाराज सोच ही रहे थे, विचार भी नहीं कर रहे थे कि अरे इनका विवाह कैसा होगा, अरे 12 साल के लोगों का विवाह, चाइल्ड मैरिज है वहां पे बहुत प्रख्यात है। प्रभुपाद कहते हैं क्या चाहिए, चाइल्ड मैरिज या चाइल्ड अबॉर्शन, दो चॉइस है आपके पास। आजकल चाइल्ड मैरिज नहीं, पर चाइल्ड अबॉर्शन बहुत बढ़ रहा है, डॉक्टर से रिपोर्ट पूछ सकते हैं कितने दिन में। तो उस समय पे होता था, पर भगवान भले ही चाइल्ड है पर है कौन, स्वयं भगवान है ना, वो साधारण बालक जैसे नहीं है। तो विचार विनिमय कर रहे हैं इनका विवाह कैसे होगा क्या होगा। उतने में ही विश्वामित्र मुनि उनके घर में प्रवेश करते हैं, उनके दरबार में प्रवेश करते हैं। और जैसे ही विश्वामित्र मुनि प्रवेश, क्योंकि नाम में ही क्या है विश्वामित्र, जो सभी को क्या है, वो सभी विश्व के क्या है, मित्र है। तपस्वी जो होते हैं, साधु जो होते हैं, अहम निज पर व्यक्ति गणना लघु चेतसान उदार चरित्राणाम वसुधैव कुटुंबकम, जिनका उदार चरित्र है ऐसे साधु लोग सभी जीवों के मित्र होते हैं। भोक्ता राम यज्ञ तपसा, बोलिए सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं प्रयच्छति। अरे भगवान सभी के भोक्ता है और सुहृद भी सबके हैं, सभी लोगों के ईश्वर है, सुहृद भी है, साथ साथ भगवान के जो प्रतिनिधि भक्त भी है वो भी सबके सुहृद है। इसलिए श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में आप देखेंगे सभी नैमिषारण्य में सभी शौनक आदि ऋषिगण चर्चा कर रहे हैं कि कलयुग में आने वाले जीवों का होगा क्या, आयु कम हो रही है,
उनकी मति भ्रष्ट होती जा रही है, साथ साथ दैव भी साथ में अर्थ में कार्य कर रहा है। भूकंप आ रहा है कि भूकंप, देखिए संस्कृत शब्द बहुत अच्छा है, भूमि पर जब कंप आता है इसे कहते हैं भूकंप। तो दैव भी उनका साथ नहीं दे रहा है, मंद संबंध मतलब मंद भाग्य उपद्रता है, कैसे अपने धर्मों को जानेंगे, कौन मार्गदर्शन करेगा। देखिए अपने फैमिली की चर्चा नहीं करते, वो किसकी चर्चा करते हैं, आने वाले समाज की, आने वाले जनरेशन की। हमारा देख कितना भी भक्ति कर लो, कितना सोना माला रगड़ रगड़ के, जो माला है ना ये रगड़ रगड़ के राई जितना भी उसका ओझे कर दिए ना, हम फैमिली को बिना सोचे नहीं रह सकते। पहला कौन, फैमिली कम्स फर्स्ट है, बराबर की क्या, फैमिली कम्स अभी भी फर्स्ट है, और कृष्णा कम्स जोर से बोले, कौन बोल रहा है फर्स्ट है, कृष्णा कम्स लास्ट, यस। मान लीजिए अभी कल बोल देने की इमरजेंसी है कुछ, सब इमरजेंसी है, आपको आपका पूरा मुंबई छोड़ना पड़ेगा, मुंबई अभी पूरा प्रॉब्लम है, नवी मुंबई, मुंबई थाने सब पानी में डूबने वाला है, तो क्या करेंगे, रहेंगे या जाएंगे, जाएंगे क्या क्या लेके जाएंगे आप, फैमिली और क्या लेके जाएंगे, पैसा वैसा लेके जाएंगे, कुछ पैसा तो उसके बैंक में, गहने मेरे कुछ भी पेपर डॉक्यूमेंट, पहले डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, अरे बहुत झंझट में टाइम लगेगा बात है, तो डॉक्यूमेंट कोई सोचेगा, डीडी के लोग जाओ पहले, भगवान जो विग्रह मेरे घर में उसको लेके जाता हूँ, अरे राधा राजवेरी राधा गोपीनाथ विग्रह का क्या होगा, उनको कैसे हम लेके जाएंगे, कभी ये प्रमाण बनाए हमारे फैमिली बस, फैमिली बस और कुछ नहीं। इसलिए रामायण उन लोगों के लिए है, समझ लेना चाहिए त्याग क्या है, बलिदान क्या है, हर एक पात्र से आप सीखेंगे, दशरथ मुनि हो, कौशल्या माता हो, सुमित्रा माता हो, लक्ष्मण जी हो, हर एक पात्र से सीखेंगे क्या कैसे बनना है, और हर एक पात्र में एक चीज कॉमन है, त्याग, वो कहीं कहीं क्यों ना हो, उसने भी त्याग किया है, उसने त्याग किया, वो तो एक्चुअली वो इतनी बुरी नहीं है, पर जानबूझकर बुरी मत, क्यों ये लीला संपन्न हो, सभी देवता तो प्रार्थना करते हैं, आप ही कर सकते हो काम, जानबूझकर वो निंदा स्वीकारती है। कौशल्या माता अपने पुत्र को त्याग करते हैं, अपने पुत्र को, सुमित्रा माता कहते हैं लक्ष्मण तुम जाओ अपने राम जी की सेवा करो, कौन कहेंगे सब भगवान की सेवा करो, टेंशन आता है, अगर बच्चा भगवान की सेवा करने में जाएगा ना तो माँ को टेंशन आता है कि ब्रह्मचर्य तो बन जाएगा कि प्रॉब्लम हो जाएगा फिर, तो त्याग बलिदान। इसे जब विश्वामित्र मुनि आने हैं, विश्व के मित्र सभी के मित्र हैं, तो जब आने के बाद दशरथ महाराज से पूछते हैं कि सब कुशल मंगल है कि नहीं, जीवन मृत्यु के चक्कर से छूटने के लिए आपका प्रयास ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। कुशल मंगल मतलब ये नहीं कि आपकी पत्नी ठीक है या बच्चे ठीक है, हम जिस मनुष्य जीवन जिस लक्ष्य के लिए मिला हुआ है वो चल रहा है कि नहीं बराबर, इसमें कुशल मंगल, सारे लोग इसके लिए कंसर्न है। कई बार जब वैष्णव आता है, प्रभु जी हमारे जरा देखिए ना, हमने नया नया रेनोवेशन किया है, उससे क्या लेना देना है, वैष्णव को उससे क्या लेना देना है, रेनोवेशन किया तुमने, डुप्लेक्स फ्लैट लिया है, सब तो छोड़ने वाले हो। प्रभु जी मेरा बर्थडे है, अरे क्या बर्थडे है, आत्मा का ना बर्थ होता है ना डेथ होता है, पर क्या करेंगे, प्रैक्टिकल जीवन में थोड़ा सा सेंसिटिव बनना पड़ता है। तो यहाँ पे कुशल मंगल पूछते हैं, तो भरत महाराज बोलते हैं हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, और वो समझ जाते हैं कि बिना कुछ कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट कार्य है, तो विश्वामित्र मुनि ऐसे किसी के राज दरबार में प्रवेश नहीं करेंगे। कोई भी साधु राजाओं के संग साधारण तौर को नहीं लेता है कभी, जब तक कुछ अहम कर्तव्य होगा तब तक नहीं। तो विश्वामित्र को पूछते हैं कि आप किस कार्य के, आपको क्या चाहिए, आपको जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं, बस ये बोल दिया। अभी विश्वामित्र मुनि को पॉइंट मिल गया, ठीक है, एक्चुअली हम कई सारे यज्ञ कर रहे हैं और मेरा ये एक इतना अनुष्ठान यज्ञ बहुत इंपॉर्टेंट यज्ञ है, वो मैं समाप्ति करने वाला होता हूँ कि असुर लोग उसमें बाधाएं डालते हैं और बहुत विघ्न डालते हैं और वो यज्ञ भी संपन्न नहीं हो पाता है, सभी ऋषि मुनि इससे त्रस्त हैं। तो हम चाहते हैं कि हमें कुछ मदद मिले इसके लिए, उन असुरों को ठीक तरह से उनको भगाना पड़ेगा या उनको मारना पड़ेगा, इसलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। तो विश्व अपना दशरथ माता बोलते हैं ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं हूं ना, मैं पूरे सेना सेना चलो 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 चलो, नहीं 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 आप नहीं चाहिए,
अरे अभी तो मैं जवान हूँ, भी मैं कर सकता हूँ। नहीं 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 नहीं, जो भी हो आप, मुझे आपका कौन चाहिए? बेटा चाहिए। बेटा चाहिए? बोले हाँ राम। जैसे ही जब वो नाम सुनते हैं राम, नहीं तो राम सुनने के बाद तो रोमांच होता है, राम सुनने के बाद अश्रुओं से धाराएं प्रकट होती हैं, राम सुनने के बाद कंपन शरीर में आता है और वो सभी भाव प्रकट हो गए दशरथ के मन में, साथ साथ में भय भी निर्माण हो गया कि राम जी को मैं खो दूंगा। युगायितम निमिषेना चक्षुषा प्रवर्षायितम शुन्नायितम जगत सर्वम गोविंद विरहे नमे। अरे भगवान के जो शुद्ध भक्त है उसको एक क्षण भी एक युग के समान लगता है भगवान के बिना। ऐसे पति को पत्नी के बिना, पत्नी को पति के बिना शादी के एक महीना दो महीना तक रखे, उसके बाद तो लगता है कब ये ससुराल जाएगी, कब मैं अच्छी तरह टीवी भी सब देख सकता हूँ, फ्रेंड्स को भी बुला सकता हूँ ना, पार्टी कर सकता हूँ। पर यहाँ पे भक्त को भी जब भगवान के थोड़ा सा वियोग सहन नहीं हो सकता, तो दशरथ महाराज को तो अपने राम जी को तो भगवान तो नहीं मानते, अपने पुत्र मान बैठे, पुत्र का इतना स्नेह उनके ऊपर कि एक भी क्षण के लिए वो आपका से उंजल होने नहीं देना चाहते हैं। जिस प्रकार हड़ाई पंडित और पद्मावती नित्यानंद प्रभु के माता पिता, जब एक साधु सभी तीर्थयात्रा भ्रमण करने के बाद एक चक्र धाम में नित्यानंद प्रभु के पिता हड़ाई पंडित के पास आते, नित्यानंद बहुत छोटे हैं उस समय पे और हड़ाई पंडित को बहुत प्रेम है, जिस प्रकार दशरथ महाराज का राम जी के प्रति प्रेम है, तो वो कहते कि देखिए मैं इतना तीर्थयात्रा भ्रमण करता हूं, मुझे कोई असिस्टेंट, कोई ब्रह्मचारी चाहिए मेरी सेवा के लिए, मेरा कमांडर पकड़े, कोई भिक्षा देता तो ये करें, मुझे थोड़ा हेल्प करें। तो बोले हड़ाई पंडित समझ गए कि इनको कौन चाहिए, तो बोले मुझे आपका पुत्र चाहिए। तो जैसे ही सुनते हैं जिस प्रकार इंद्र का वज्र का घात उनके हृदय में पड़ गया, ऐसे लगने लगता है और पूरी तरह वो मूर्छित जैसे हो जाते हैं, पर फिर भी वो ना नहीं कहते, वो ठीक है आप लेके जा सकते हैं। और जैसे ही वो लेके जाते हैं हड़ाई पंडित अपने प्राण को त्याग कर देते हैं। उसी प्रकार दशरथ महाराज 10 दिन के लिए विश्वामित्र का, सिर्फ 10 दिन के लिए तो भेजो, मैं उनको जैसा है वैसे ही वापस, इतना ही नहीं उसको और अभी जिस तरह राम है उससे भी बहुत कई गुना ज्यादा वो प्रभावशाली होके आएंगे, विजेता होके आएंगे, इतना विश्वास कीजिए। दशरथ नहीं 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 मुझे लेके जाइए। अरे छोटे मोटे असुरों के काम नहीं है वो, छोटे मोटे राजाओं का काम नहीं है उन असुरों का मत करना। रावण का तो नाम सुना होगा ना, जैसे नाम सुना रावण, एक बार रावण नाम क्यों पड़ा थोड़ा सा समझ लेते, एक बार इतना रोया कि उसका नाम रावण हो गया, जो दूसरों को रुलाता है खुद भी रोता है उसको रावण। एक बार वो उत्तर की दिशा में जा रहे थे और सबको हरा कर, और चल रहे थे जा रहे थे तो हिमालय पर्वत कैलाश पर्वत बीच में आ गए, तो सोचे रावण की ये असुरों की बुद्धि है, उसको भी हिलाने चले थे, हाथ अंदर डाल के हिलाने का प्रयास कर रहे। अब पार्वती माता सहम जाती है क्या हो रहा है, तो शिव जी के बोलते कुछ नहीं मूर्ख है एक, तो क्या करते अपने अंगुष्ठ के पैर के अंगुष्ठ के भूमि को दबा देते हैं कैलाश के, और रावण का हाथ 100 साल तक फंस जाता है। कितने साल तक? 100 साल तक फंस जाता है। फिर शिव जी को पुकारते थे, शिव जी थोड़ा कृपा करके थोड़ा सा गैप दे देते, तो हाथ निकाल देते हैं। ये असुर लोग हैं, असुरों की बुद्धि ऐसी होती है, जिन जो उनको मदद करते हैं ना उनको ही वो कष्ट पहुंचाना चाहते हैं। तो रावण का जैसे ही नाम सुनते हैं दशरथ महाराज बता रहे इनको तो कोई भी नहीं हरा सकता, ब्रह्मा जी ने ऐसा वर दे दिया यहां तक यमराज से भी वो मर नहीं पाए, तो हम क्या कर सकते, सारी देवताओं की सेना भी अगर उनसे लड़े तो भी नहीं लड़ सकते, मैं क्या, मैं तो अपनी सेनाओं के साथ भी कुछ नहीं कर सकता, तो आप मेरे पुत्र को क्यों लेके जाना चाहते हैं, तो 16-12 साल का बालक है ये। तो विश्वामित्र मुनि तुम अभी तो वचन दिए कि जो भी मांगूंगा दूंगा, अब ये क्यों बोल रहे हो, कि थोड़ा क्रोधावेश में आ जाते हैं विश्वामित्र मुनि, थोड़ा क्रोध दिखा देते हैं। तो वहां पे वशिष्ठ मुनि होते हैं, वशिष्ठ मुनि दशरथ को साइड में लेके, बाबा
क्यों अभी जो किए किए अपने पाने फेर रहे हो, अभी जितना तुमने कमाया ना सब गवा दोगे, एक श्राप दे देंगे ना। वैसे मेरा हिस्ट्री मुझे देखा है मैंने पूरा उनका, हाँ श्राप दे देंगे तो गया फिर हाँ दे दो, और तुम टेंशन मत लेना, क्योंकि विश्वामित्र मैंने कोई साधारण बुने चाहे तो वो असुर का वध कर सकते हैं, पर क्योंकि राम जी को श्रेय देना चाहते हैं इसलिए तुम्हारे पुत्र को श्रेय देना चाहते हैं। और उतना ही नहीं, उनके पास शिव जी ने दिए हुए सभी दिव्य अस्त्र हैं, वो सभी अस्त्र आपके पुत्र को सिखा देंगे। तो इस प्रलोभन पर दशरथ जी मान देते हैं, मान जाते हैं, और राम जी को दशरथ विश्वामित्र मुनि के साथ भेज देते हैं। तो जैसे ही विश्वामित्र मुनि के साथ राम जी जा रहे हैं तो लक्ष्मण बोलते हैं भैया मैं भी आऊंगा, कोई रोकने का प्रयास, दशरथ तो गलती से नहीं रुकाते हैं, क्योंकि एक दूसरे की बिना नहीं ले सकते, उनको जाने दे। दोनों विश्वामित्र मुनि आगे आगे चलते हैं और पीछे से राम जी और लक्ष्मण जी धनुष लेके तुणीर लेके बाण लेके चलते रहते हैं, और साथ साथ में कई कथाएं उनको सुनाते हैं। जब चलते 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 कई कथाएं उनको सुना देते हैं। साथ में वो कहते हैं कि तारका जैसी असुर कितनी भयावह है और कैसे वो ऋषि मुनियों को परेशान करके रखी है, तो उसका वध करना कितना अनिवार्य है। तो जैसे राम जी सुनते हैं अरे तारका तो एक स्त्री है, उसका वध कैसे करें, तो विश्वामित्र मुनि कई उदाहरण देते हैं। उस समय भगवान कृष्ण की लीला नहीं होती तो कृष्ण की लीला के भी उदाहरण देते थे कि पूतना का वध, पहला वध कृष्ण लीला में तो पूतना का ही किया, स्त्री का ही कर दिया, तो तुम भी कर दो, पर कृष्ण की लीला बाद में जैसे उसके बारे में चर्चा नहीं हुई। पर कई शास्त्र के उदाहरण देके उनको समझा देते हैं कि देखो अगर असुर होगा कोई स्त्री अगर असुर है तो उसका वध कर सकते हैं। तो इतने में फिर भी राम जी क्या करते हैं, जब अपने तुणीर की झनकार, जब सभी उनके तुणीर की झनकार जब कोई सुन, सभी लोग सुन, हमने धनुष के जो झनकार है वो जब कोई सुनता है, सभी देवता लोग जो सुनता है, तो उस समय में तारका भी सुन लेती है और तुरंत वो प्रकट हो जाती है, लेकिन भयावह रूप है उसका। और भयावह रूप में राम जी जरा भी लक्ष्मण का भी डरना डरते हैं, वो क्या करते हैं स्त्री है क्या तो करे तो क्या करे, तो उनके दो भुजाओं को काट देते पहले अपने बाणों से, बहुत ईजीली कुछ कष्ट नहीं हुआ। फिर लक्ष्मण जी को कहते तुम उनके नाक को काट दो, क्योंकि प्रैक्टिस होनी चाहिए ना आगे, अभी तुम नाक को काट दो, फिर बाद में सूर्पणखा का भी नाक काटना है तुम्हें, पहले ही अभी प्रैक्टिस कर लो, बराबर निशाना लगना चाहिए, तभी अब तुमको अगला प्रोजेक्ट देंगे। हाँ तो उसी समय से आया कि मेरी तुम नाक काट दोगे, तो तारका का नाक काट देते हैं, फिर वो अदृश्य हो जाती है थोड़ी देर के लिए, फिर से अलग अलग तरह के अस्त्र से शस्त्र से वो तहस नहस करने का प्रयास करते हैं। फिर विश्वामित्र मुनि कहते हैं अरे उसको मार दो, मैं कह रहा हूं ना मार दो तुम, तो राम जी अपने गुरु की आज्ञा को रखते हुए तुरंत वक्ष स्थल पर बाण चला देते हैं, वहां पे तारका का वध हो जाता है। जैसे ही राम जी ने बहुत ही सहजता से कर देते हैं तारका का वध, फिर वो सभी आगे बढ़ते हैं, और जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे तारका का वध करने के बाद फिर आगे जब सभी ऋषि मुनि वहां पर रहते हैं, यहाँ पर ऋषि मुनि ऐसे सब बैठे हुए, तो बोलते ये स्थान कैसा है, मतलब स्थान की महिमा के बारे में बताते हैं। फिर बोलते ये ऋषि मुनि यज्ञ सदैव करते रहते पर बहुत त्रस्त है, ये मरीचि और सुभाव ये सदैव उनको परेशान करते रहते, जैसे यज्ञ संपन्न होने आता ना तभी उसमें बाधा डाल देते हैं, मांस खून इतना ऊपर से आकाश मार्ग से फेंक देते हैं बड़े पैमाने में, तो पूरा यज्ञ दूषित हो जाता है। तो इसके वजह से आप लोगों को अभी यज्ञ स्टार्ट होने वाला है और 6 दिन का यज्ञ है, 6-7 दिन का यज्ञ है, तो उनको पूरा एकदम तैनात, फील्डिंग तैनात रखना बस। और जो यज्ञ की जो भूमि है वो नयन के समान है, आग के समान है, ओवल शेप में, हाँ, जिसके एक छोर पे ओपनिंग में लक्ष्मण को खड़ा कर दिया श्री राम जी ने कि तुम यहां पे रहना मेन गेट पे, यहां से भी असुर आना चाहिए। और राम जी क्या कर रहे थे, बाकी जो पूरा एरिया है ना, राम जी जाते थे वहां से यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर लक्ष्मण जी वहां पे, फिर लक्ष्मण को पूछते थे सो मत जाना, ठीक है, तभी से लक्ष्मण जी को आदत लगी सोना ही नहीं है अभी, तो यहाँ से वहां ऐसे करते करते 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, 4 दिन गया, 5 गया, 6वें दिन सब लोग रिलैक्स हो गए उधर,
भाई आसुर नहीं है, ठीक है ठीक है। पर राम जी ने कहा देखो हमको रिलैक्स नहीं होना है, एक गलती निमिष मात्र की एक गलती पूरा खेल खराब कर देगी। इसलिए लक्ष्मण सतर्क रहना, अभी तो ज्यादा सतर्क रहना। और जैसे ही लक्ष्मण सतर्क बोल देते हैं तुरंत आकाश मार्ग से सुबाहु और मरीचि दोनों आक्रमण करने लगते हैं। जैसे ही अलग अलग अस्त्र शस्त्र पत्थर इतना अधिक पर्वत भी फेंकते हैं, इतनी शक्तिशाली वो रखते हैं, क्योंकि असुरों के पास एक तो मंत्र तो होता है साथ में तंत्र भी होता है उनके पास, और तंत्र विद्या इतनी खतरनाक रहती है कि ये साधारण व्यक्ति इसको कभी डील नहीं कर सकता। फिर राम जी क्या करते हैं एक ही थोड़ी से बाहर निकाल देते हैं और पूरे ऊपर से क्या कर देते हैं जिसमें स्टेडियम को कवर कर देता ना वैसे पूरे जगह को कवर कर देते हैं बाणों से। और इतना सब अस्त्र शस्त्र सब मन मूत्र भी डाल दिया, खून फ्लैश सब कुछ डाल रहे थे, पर फिर भी एक ड्रॉप भी यज्ञ के स्थल के ऊपर गिरता नहीं और यज्ञ क्या हो जाता है सफल हो जाता है। और फिर राम जी मरीचि को कई योजन दूर तक समुद्र के बीच में तक फेंक देते हैं और सुबाहु को वही के वही उनको मार देते हैं। तो अब इसमें किनका किनका वध हो गया, पहला तारका का, फिर मरीचि सुबाहु का और मरीचि को दूर फेंक दिया। यहाँ पे सिद्धांत क्या है, तारका अविद्या का लक्षण है। अविद्या यानी भगवान से जब जीव दूर जाता है उसे कहते हैं अविद्या, अपने शरीर को आत्मा समझता है उसे कहते हैं अविद्या, इस संसार को स्थाई समझता है इसे समझते हैं अविद्या, ये संसार मेरी इंद्र तृप्ति के लिए बना है ये अविद्या। विद्या क्या है इसके विपरीत, भगवान मेरे रक्षण करता है पालन करता है, मैं भगवान का अंश हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मेरा गंतव्य है भगवान के धाम जाना, ये अविद्या है। तो सर्वप्रथम जो भगवान के संपर्क में आता है पहले भगवान क्या करते हैं हरिनाम से अविद्या को नष्ट कर देते हैं, तारका का वध पहले कर देते हैं। फिर जो भूतकाल के जितने भी पाप है, व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांग गणानाम से दुकुल, व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानां च दुकुलचौरम् समस्त जन्मार्जित पाप चौरम् चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि भगवान चोर है ना, मक्खन चोर है, चित्त चोर है, साथ साथ में हम जितने भी भूतकाल में जितने भी पाप किए उसके भी पाप के पूंजी को भी चोरी कर लेते हैं। जैसे कोई लेके कहेंगे नहीं मेरे पाप के कर्म है मुझे मिल रहे, भक्त अगर कोई कहता तो नहीं गलत है, भक्त जब कोई भक्ति करता है अनन्य भाव से कोई भक्ति करता है उसके कोई भी पाप पूर्व जन्म के पाप या भूतकाल के पाप उसे कभी भी क्लेश नहीं दे सकते। अब प्रारब्धम फलम पापम बोलिए कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमणैव प्रलीयते विष्णु भक्ति रत आत्मनाम। जो विष्णु भक्ति के प्रति जिसकी रति बढ़ गई है, जो सदैव बहुत ही सिंसियरिटी से प्रामाणिकता से भजन करता है, ऐसा नहीं रोजी कितना माला कर रहे हो सोना माला कर रहे हो कुछ नहीं कर रहे चुप झूठ बोल रहे ऐसे नहीं है, ठगने वाले भक्त है। क्या हुआ हम लोग भगवान को भोग रहे हैं, भगवान को बोल रहे हैं कुछ भोग नहीं झूठ बोलेंगे, ऐसे ठग लोग नहीं सिंसियरिटी से कोई भक्ति करता है। ऐसे व्यक्ति का क्या है अब प्रारब्ध, जो प्रारब्ध में जो पाप नहीं आई है आए हैं वो भी भगवान निकाल देते हैं। अब प्रारब्ध फलम पापम बीज, जो बीज रूप में पाप है जो अब जस्ट अभी उसका फल मिलने वाला है या बीज रूप से उसका फलित होने वाला है, ये दोनों ये तीनों पाप को नष्ट कर देते हैं भगवान। क्रमण एवं प्रलियते एक साथ सभी पाप नष्ट हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण का अथवा राम जी का नाम लेने से। तो सुबाहु जो है वो क्या है पूर्व जन्म के या भूतकाल के पाप, वो सभी पाप का नष्ट उधर के उधर कर देते हैं राम जी। पर आप देखेंगे मरीचि को दूर फेंक देते हैं। अब बाद में कालांतर के बाद फिर से मरीचि क्या करते हैं राम जी को कष्ट
पहुंचाने का प्रयास करता है। तो ये किसका लक्षण है? वर्तमान काल के पाप हमारे। वर्तमान में अगर जानबूझकर पाप करेंगे, भक्ति के पद में होते हुए भी जानबूझकर पाप करेंगे, भगवान गीता में कह रहे हैं भोक्तार यज्ञ शिष्टाशीन संतुम उच्छन्ते सर्वकिल विषय भूंजते ते अगम पापं ये पचन्ति आत्म कारण। मुझे भोग लगाए बिना खाना पाप ही खाते हैं, फिर भी हम बिना भोग लगाए खाएंगे तो ये वर्तमान काल के पाप हो जाएंगे और फिर आगे परेशान करेंगे। सततम सरतम सत्तम विष्णु, सदैव भगवान विष्णु का स्मरण करना है। हमारे कार्यकलाप ऐसा होना चाहिए कि सदैव भगवान विष्णु का स्मरण होना चाहिए, फिर भी हम मोबाइल में घंटों बिताएंगे और जो वीडियोस नहीं देखने वो भी देखेंगे, गाने देखेंगे, पिक्चर देखेंगे, मैच देखेंगे, तो फिर उसका वर्तमान काल का पाप बनेगा, फिर आगे तकलीफ देगा उसको। भजन कभी परिपक्व परिपक्व नहीं हो सकता ऐसे व्यक्ति का। ये मरीची का लक्षण है, इसलिए मरीची को दूर फेंक देते हैं वर्तमान काल के पाप। तो यहाँ पे जब इन असुरों का वध करने के बाद जब और आगे बढ़ते हैं, तभी राम जी पूछते हैं कि अरे ये कुटीर किसकी, बहुत पुरानी लगती है। तो बोलते ये गौतम ऋषि की कुटीर है। और एक बार क्या हुआ था कि ब्रह्मा जी की पुत्री अहिल्या इतनी सुंदर है, सभी देवता कहते हैं हमको इनसे विवाह करना है, पर ब्रह्मा जी इनका कुछ स्वयंवर सोच रहे थे कैसे करें कैसे। ठीक है, एक कंडीशन रखते हैं, जो कोई भी पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करके पहला आएगा उसको मेरी पुत्री दे देंगे। सभी देवता लोग रेस में लग जाते हैं, चलो गो, सब लोग भाग जाते हैं। एक में गौतम ऋषि में क्या करते हैं, गो माता की परिक्रमा कर देते हैं और ब्रह्मा जी को बोलते हैं ब्रह्मांड का परिक्रमा कर दिया। चतुर है ना, अगर कभी कभी भक्त को भी अगर भोग करना होता है ना, वह चतुर्थी से भोग कर चतुराई से भोग कर लेते हैं। तो ब्रह्मा जी बोले तुम लोग चतुर इसे कहते हैं, हाँ ठीक है, हमारा मेरा दामाद अच्छा ऐसे ही होना चाहिए, एकदम चतुर होना चाहिए। तो अहिल्या किसको थोपाते, गौतम ऋषि को। बहुत सुंदर है, कहीं कहीं कई बार भौतिक चीज बहुत ज्यादा अच्छी हो हमारे पास, वो कभी कभी हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट हो सकती है। शास्त्र कहता है ऋणकर्ता पिता शत्रु माता च अव्यभिचारिणी व्यभिचारिणी भार्या रूपवती शत्रु पुत्र च अपंडित। कॉन्ट्रोवर्शियल है, चाणक्य पंडित कोट करना थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है। तो चाणक्य पंडित कहते हैं, स्टार्टिंग क्या बोला है, ऋणकर्ता पिता शत्रु, जिस पिता के ऋण है बेटे के लिए वो शत्रु है वो पिता। हाँ, बच्चा होने से पहले कोई ऋण नहीं होना चाहिए पिता के ऊपर, पहले ऐसे तो पीढ़ी की पीढ़ी आगे पीढ़ी भी ऋण फेर रही है उसका, ऐसे नहीं होता, ऐसे होता। दूसरा क्या है, भार्या रूप ऋणकर्ता पिता शत्रु माता से व्यभिचारी, जो माँ व्यभिचारी स्त्री है वो शत्रु है, उसको त्याग देना चाहिए। और तीसरा, अच्छा चौथा क्या है, पुत्र चा पंडित, जो पुत्र है पर वो ज्ञानी नहीं है, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता है, वो मूर्ख है, वो भी शत्रु है तुम्हारे लिए। और तीसरा क्या है, भार्या रूपवती का पत्नी है पर बहुत ज्यादा सुंदर है, शत्रु है। चाणक्य पंडित बोलते हैं क्यों शत्रु है, इसका रीजन भी बोलते हैं। देखिए उसमें प्रॉब्लम स्त्रियों का नहीं है, इसमें किसका प्रॉब्लम है, पुरुषों का प्रॉब्लम है। कोई भी शास्त्र जो है वो स्त्रियों का निंदा नहीं करता है, पुरुषों की जो अति आसक्ति है स्त्रियों के प्रति उसको निंदा करता है कि तू भगवान के छोड़ के उधर बैठ गया हो। हाँ, तो रूपवती होने की वजह ज्यादा आसक्ति हो जाता है, तो ज्यादा आसक्ति हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, भगवत प्राप्ति में लक्ष्य नहीं लगेगा। और कभी कभी क्या होता है, दूसरे भी इसको डोले डाल रहा है, इसका पूरा चिंता ये रहेगा कि कैसे मैं उसको बचाऊं इन लोगों से, तो भजन क्या होगा उधर उसका। श्री प्रभुपाद जी जो विवाह करना चाह रहे थे, श्री प्रभुपाद जी जो विवाह करना चाह रहे थे उनके पिता ने कहा उससे मत करना, जिनको प्रभुपाद को पसंद थी, प्रभुपाद खुद कह रहे मुझे वो स्त्री पसंद थी, सोचा था उससे विवाह करने का, दो ऑप्शन था मेरे पास, एक थोड़ी इतनी ठीक नहीं थी दिखने में, ठीक ठाक थी, बाकी वो बहुत ज्यादा सुंदर थी। तो मेरे पिताजी बोले जो सुंदर है उसे मत करना विवाह। तो आज मेरे पिता की बात बनी, आज मैं यहाँ हूँ, प्रभुपाद जी कहते हैं। प्रभुपाद जी तो नीति सिद्ध भक्त है, वो तो ऐसे ही बोलते हैं, पर कहना चाहते हैं, तात्पर्य ये कहना चाहते हैं, जितनी भौतिक ऐश्वर्य हमारे पास है उतनी हम भगवान से दूर चले जा सकते हैं। तो यहाँ पे गौतम ऋषि को इतनी सुंदर पत्नी हुई हुई है, तब अभी इंद्र तो छोड़ रहा नहीं है, इंद्र तो पूरे डोले डाल के बैठे, बोले फिर भी कैसे मिलेगी, मैं तो अभी इंद्र के सामने इतने अप्सराएं नाच रही, ध्यान किधर, और ही अहिल्या के पास
सब अप्सरा सब अलग अलग डाउन स्टेप्स करके थक गए हैं, उनके कमर दुखने लग गई, फिर भी इंद्र कुछ मन किधर है, अहिल्या के पास नहीं, कैसे भी करके फिर क्या करते, जानबूझकर इंद्र गौतम ऋषि का रूप धारण करके अहिल्या के पास जाते हैं। और अहिल्या के को जैसे ही अहिल्या के पास जाते हैं और वो समागम करते हैं, तभी अहिल्या को सूक्ष्म रूप से ये पता हो जाता है कि ये मेरे पति नहीं है, इतने उतावले हो ही नहीं सकते, क्योंकि मेरे पति तो तपस्वी है और इतने कामी कभी हो नहीं सकते इंद्र, और फिर जान लेते वो इंद्र है, और फिर भी वो इंद्र को रोकती नहीं है। और फिर कुछ देर के बाद वो कहती इंद्र को कि अभी जो भी कुछ हुआ पर मेरे पति को पता नहीं चलना चाहिए। फिर इंद्र जो है वो बिल्ली के रूप में बिल्ली का रूप धारण करता है और भी वहां से चले जाने का प्रयास करता है। तभी गौतम ऋषि बाहर से आते हैं, तभी देखते हैं ये बिल्ली नहीं है, बिल्ला है ये इंद्र, मुंह झुकाए नीचे है। तो इंद्र तुमको आज मैं श्राप देता हूं, तुम्हारे सभी शरीर के सभी जगहों पे योनियां हो जाएंगी। और जब ये श्राप सुनते हैं तभी इंद्र लज्जित हो जाते हैं, अरे सभी शरीर में योनियां हो जाए, कितना गंदा दिखूंगा मैं, और विलाप करने लगते, रोने लगते हैं, पश्चाताप करने लगते हैं। तभी ठीक है सभी अभी वो जो जितने भी योनियां वो क्या हो जाएंगे, नयन में रूपांतर हो जाएगा उसके, सभी आंख हो जाएंगे, और इसलिए इंद्र को सहस्त्र नयन भी कहते हैं। फिर जब अहिल्या के पास जाते हैं, अहिल्या को भी श्राप देते हैं, बोलते तुम्हारा हृदय इतना पत्थर हो चुका था कि तुम्हें उस समय पर तुम्हारा पति स्मरण नहीं आया, इंद्र को रोक नहीं पाई, इसलिए तुमको पत्थर बनना पड़ेगा, इसे श्राप देते हैं। जैसे ही पश्चाताप की अग्नि में जलती है तो फिर गौतम ऋषि उन पर दया करके कहते हैं, जब राम जी के चरणों का स्पर्श तुम पर पड़ेगा ना, तभी तुम पत्थर की फिर से नारी हो जाओगे। उस समय पर जब राम जी को ये कहते हैं तो राम जी कहते हैं, मुझे तो लगता नहीं कि मेरे स्पर्श कोई पत्थर नारी बन जाए, पर हे ऋषिवर, अगर आप ये कहते हैं तो आपकी बात को मान रखने के लिए मैं इस पर स्पर्श करूंगा। तो राम जी अपने चरण को स्पर्श कर देता, वैसी पत्थर क्या हो जाती है, अहिल्या फिर से हो जाती है। और ये जब महिमा सब जगह चारों ओर फैल जाती है, फिर राम जी की और महिमा बढ़ जाती है, फिर राम जी फिर से विश्वमुद्रिमुनि के साथ उनको लेके आगे बढ़ते बढ़ते जनक जैसे जनकपुरी में प्रवेश करते हैं। जनकपुरी में प्रवेश करने के बाद जनक राजा इतना बड़ा स्वागत करते हैं, और स्वागत करने के बाद पूछते हैं कि ये दो सुकुमार कौन है, बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं, कौन है? तो विश्वमित्र मुनि उनका परिचय देते हैं कि ये रघुवंशी हैं, भरत महाराज दशरथ महाराज के ये सुपुत्र हैं, एक का नाम है राम और एक का नाम लक्ष्मण। ये दोनों इच्छा किए हैं, क्योंकि रामचरित्र मानस में स्वयंवर का वर्णन है, वाल्मीकि रामायण में इसमें स्वयंवर का वर्णन नहीं है, जो वर्णन है इसमें थोड़ा सा ब्रीफ में सुनेंगे और विराम देंगे इस आज की कक्षा को। तो यहाँ पे जब विश्वपुत्र मुनि जनक महाराज से कहते हैं कि देखिए दोनों भी खास करके राम जो है वो आपके पास जो धनुष शिव जी का वो देखना चाहता है, ये शिव जी का धनुष वो धनुष है, जब सभी देवता लोग थोड़ा सा बोलते फाइटिंग देखना है हमको, थोड़ा बहुत दिन से फाइटिंग देखा नहीं, बड़ा फाइटिंग देखा नहीं, कभी देखा नहीं, विष्णु और शिव जी कभी लड़े नहीं, हम चाहते कि थोड़ा उनमें थोड़ा युद्ध हो जाए, ये देवताओं का प्रॉब्लम है, शांत नहीं बैठते ना। तो फिर ब्रह्मा जी को रिक्वेस्ट करते थोड़ा ऐसा कुछ झगड़ा लगा दीजिए ना उनमें, जैसे कि विष्णु और शिव जी को पता नहीं चलेगा झगड़ा हो गया हमारे साथ। तो उस समय में क्या करते हैं, जानबूझकर विष्णु और शिव जी एक दूसरे से लड़ बैठते हैं, और वहां पे शिवजी परास्त हो जाते हैं। शिवजी जो परास्त हो जाते हैं वो धनुष को देवव्रत को दे देते हैं, देवव्रत राजा को, और देवव्रत राजा के वंश में जनक महाराज आते हैं, जो उनके पास वही धनुष आ जाता है, और उस धनुष को पकड़ने कम से कम 300 से 500 क्षत्रिय लगते थे, और वो रथ में सैकड़ों में बहुत बड़ा रथ होता था, वो रथ में रखना पड़ता, रथ को चला के लेके जाना पड़ता था। और वहां पे जो सीता मैया छोटी बालिका थी, उस समय पे जनक महाराज जब हल चला रहे थे वहां पे, कुछ यज्ञ करने से प्रारंभ पहले उस हल चलाने के समय पे, वहां पे एक बक्से में एक सुनहरे बक्से में गोल्डन बॉक्स में वहां पे एक छोटी सी कन्या उनको मिलती है, क्योंकि हल के उस भाग को शीत कहते हैं, इसलिए उसका नाम सीता हुआ था। तो इसलिए वो कन्या उनको ऐसे प्राप्त हो गई थी, दैवी कन्या थी, बहुत ही सुंदर,
थी और खेल खेल में जब वो कुछ फूल तोड़ने जा रही थी तो बोल रही थी सब सखियां कह रहे थे अरे फूल तो बहुत ऊपर का फूल कैसे तोड़ेंगे हम, तो हाथ नहीं पहुंच रहे। तो मेरे पास कुछ है मैं लेके आती हूँ। मैंने देखा उनके भाई मेरे पिताजी बहुत बड़ा धनुष है तो क्या करते खेल खेलने में धनुष को ऐसे ऐसे करके उठा के ऊपर फूलों को तोड़ के देती है फिर वैसे ही धनुष को लेके जाती है। सभी जो क्षत्रिय होते हैं जनक महाराज देखते रहते हैं ऐसा ऐसा, तो ये क्या देख रहे हैं हम, सपना तो नहीं देख रहे। तो जनक महाराज को कंप्लेन करते कि अरे आपकी जो बेटी है ना उसने क्या किया ना वो धनुष को कुछ भी बोलते हो तुम जाओ ठीक नहीं तब तुम जाओ। फिर उनके सेनापति भी आते बोलते हाँ हम देखे 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 वो तुम भी ठीक नहीं हो। हाँ लगे पूरा मेरा पूरा राजा राज पूरा बीमार में है क्या। तो खुद जब देखते तब इनको विश्वास होता है ये कोई साधारण पुत्र नहीं, इसका विवाह जो होगा वो भी कोई साधारण पुरुष नहीं होगा। अगर ये धनुष को उठा सकती है तो उसको भी वो धनुष को उठाना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसा संकल्प ले लेते हैं, ऐसा कंडीशन रखते हैं कि अगर सीता का हाथ थमाएंगे उसी व्यक्ति पर जो ये धनुष को उठा सकता है। सभी राजाओं ने प्रयास किया, देवताओं कई देवता लोग भी आए प्रयास किए भी कोई भी वो काम नहीं कर पाए। रावण भी आ गया वहां पर, रावण भी आ गया बोले हम भी हाथ आजमाएंगे। तो एकदम जोर जोर से उनका स्वागत होता है रावण जी का, जिसे बोलते ना जो गरजते वो बरसते नहीं वैसे बहुत गर्जना के साथ 1080 pounds रावण। आगे रावण एकदम अभी सीता माया को भी टेंशन है बोली ये जनक महाराज को लगे कि ये उठा लेगा लगता है अभी पूरा गया अभी उनको मन ही नहीं कर रहा है अभी क्या कर रहा है। जैसे उठाने के लिए गया तो किसकी उंगलियां अंदर नहीं गई थी, किसकी भी उंगलियां धनुष के अंदर नहीं जा पा रही थी, रावण की गई। धनुष किसका था, शिव जी का इष्ट देव है तो गई पर उठाने का प्रयास। शिव जी बोले ये पागल कहां से आया, ये हीरो और हीरोइन के बीच में विलन कहां से आया। तो शिव जी उसके अंदर प्रवेश कर लेते, जैसे ही प्रवेश कर लेते धनुष के अंदर वो वजन इतना हो जाता जोर से सभी लोग राजा लोग हंसते रावण क्या हो गए बहुत बड़ा बड़ा आया था ये हाल क्या। ऐसे करते करते फिर वहां से रावण भी चला गया। ऐसे कई राजा लोग आए कई प्रयास किए कोई भी सफल नहीं हो पाया। तो यहाँ पे जनक महाराज कहते हैं इसमें सुकुमार बालक है ये कैसे उठा सकते, क्योंकि उनको जरा भी आशा नहीं थी, आशा की एक भी किरण नहीं थी। तो उस समय पे विश्वामित्र मुनि कहे कि आप लेके तो आइए दिखाई दे तो उसे कब फिर ठीक है हम दिखा देते हैं। तो पूरा एकदम भारी भक्कम चीज इतने सारे 300 सैनिकों के साथ क्षत्रियों के साथ वो लेके आते हैं और श्री राम जी जैसे देखते हैं उसको जैसे देखते हैं एक क्षण नहीं लगता उनको एक क्षण नहीं लगता उस धनुष को उठाने में। और प्रत्यक्ष चढ़ाते वक्त जिस प्रकार हाथी गन्ने को तोड़ देता उस प्रकार उस धनुष को तोड़ देते और जैसे ही तोड़ देते जो झनकार जो ध्वनि गूंज उठती है देवलोक तक उसका आवाज चला जाता है। यहां तक जितने भी लोग थे जनक महाराज को छोड़ के विश्वामित्र मुनि को छोड़ के और सीता माता को छोड़ के सभी लोग क्या मूर्छित हो जाते हैं वो आवाज सुन के। और फिर सीता माता को जब समाचार मिलता है कि आपके वर श्री राम जी हैं तो उसी प्रकार फिर जो उन्होंने कंडीशन रखी थी वो पूरी हो गई और एक में वर और सभी खुश हो कि राम जी जैसा अगर मेरी बेटी के मेरी सुपुत्री का अगर वर है तो मेरा कितना सौभाग्य है। तुरंत विश्वामित्र मुनि कहते हैं अयोध्या में समाचार दीजिए और सभी अयोध्या वासी को ज्यादा यहाँ पे बुला दीजिए और इनका विवाह संपन्न करेंगे। यहीं पे हम विराम देते हैं समय कम है। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री रामचंद्र की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समस्त भक्तवृंद की जय, हरे कृष्ण।
Thank you so much, Prabhuji, for this wonderful katha. Prabhuji, we have अपने पारंपरिक अंदाज से तीन बार हरि बोल बोलकर शुक्रिया अदा करेंगे. हरि बोल, हरि बोल.